हरियाणा के सबसे पहले और पुराने फरीदाबाद नगर निगम को कंगाल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। शहर के 40 वार्डों में से 10 वार्ड ऐसे हैं जहां पर विकास की एक ईंट तक नहीं लगी और ठेकेदारों को करोड़ों रुपए की पेमेंट हो चुकी है। इस बात का पता जब चला जब पार्षदों ने फाइनेंस ब्रांच से लिखी डिटेल मांगी। पार्षदों को फाइनेंस ब्रांच से मिली डिटेल में ठेकेदार को केवल नालियों की रिपेयरिंग, इंटरलॉकिंग टाइल बिछाने और स्लैब लगाने जैसे तीन कामों के लिए करोड़ों रुपए की पेमेंट दी गई है। यही नहीं, ये सभी पेमेंट जनरल फंड से की गई है, जबकि निगम के जनरल फंड में तो पैसे ही नहीं है। पिछले 4 साल से सभी कार्य सीएम अनाउंसमेंट के पैसों से हो रहे हैं। पार्षद दीपक चौधरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये अपने आप में एक बड़ा घोटाला है जिसमें कई अफसर और ठेकेदारों ने मिलकर 40 से 50 करोड़ रुपए की पेमेंट टकार ली है। फाइनेंस ब्रांच से 2017 से 19 तक का विकास कार्यों का ब्यौरा मांगा गया था। साथ में ये भी पूछा गया था कि इस फंड में किस ठेकेदार को कितनी पेमेंट हुई है। ये जानकारी फाइनेंस ब्रांच ने कुछ दिन पहले ही दी है। पार्षद दीपक चौधरी के वार्ड में 27 ऐसे काम हुए हैं जिनमें 1 करोड़ से ज्यादा की पेमेंट दिखाई गई है। ये खर्च नालियों की रिपेयरिंग, इंटरलॉकिंग टाइल लगाना और स्लैब लगाने पर दिखाया गया है, लेकिन आज तक ये काम उनके वार्ड में नहीं हुए। जब उन्होंने दूसरे वार्ड के पार्षदों के कार्य में पूछा तो वहां से भी यही जवाब मिला। मजेदार बात तो ये थी कि जितनी भी पेमेंट ठेकेदार को हुई है वो 4 लाख से ज्यादा की पेमेंट है। कुल मिलाकर 40 वार्ड में से 10 ऐसे हैं जहां पर कोई काम नहीं हुआ है और ठेकेदारों को पेमेंट जा चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज लाइक आवर वीडियो and subscribe to our channel and hit the bell icon.